सो गाइस फाइनली मेरे सामने है न्यू जो रॉयल एनफील्ड हंटर मेट्रो मॉडल लॉन्च हुआ है, उसका हम लोग की मिल गया है। तभी चलाएंगे इस बाइक को, टेस्ट ड्राइव लेंगे। और जो सारे लोग में थोड़ा बजट का इशू था लेकिन रॉयल एनफील्ड लवर हो, उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी का न्यूज़ है गाइस। आप लोगों को अभी इतना कम बजट में ऐसा मॉडल मिलेगा आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का। एक बाइक को टेस्ट करके देखते हैं। तभी बाइक 40 के है, अभी ब्रेक टेस्ट करते हैं। और मिरर पे मतलब पहले जो मॉडल आता था रॉयल एनफील्ड का, उसमें क्या मिरर में थोड़ा दिक्कत होता था, मिरर में पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता था वाइब्रेशन की वजह से। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस आप लोग कैसे हो? तो पीछे देख सकते हो मैं आ गया हूं रॉयल एनफील्ड का शोरूम पे, और मेरे पीछे देखो क्या है। तो ये है गाइस नया हंटर, मतलब हंटर मेट्रो एडिशन। तो इस बाइक में क्या क्या मिलेगा, और ये जो बाइक है रॉयल एनफील्ड का सबसे ज़्यादा कम बजट वाला बाइक है, तो इसमें क्या क्या आप लोग मिलता है, एगोस नोट कैसा है, और जो क्लासिक है और मेट्योर उससे इसमें क्या क्या अंतर है गाइस, वो सब आप लोग देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में, पूरा एंड तक देखना। तो गाइस मैं शूट कर रहा हूँ ये रॉयल एनफील्ड का विष्णु ऑयल कंपनी। तो इधर पे आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का हर तरीके का बाइक देखने को मिलता है, और अगर आप लोग कुछ बाइक करना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक इस शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा सेल्समैन का। और ये जो मॉडल है गाइस ये टॉप मॉडल है, इसका कितना प्राइसिंग है सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो पर। सो गाइस पूरा वीडियो में जरूर एंड तक देखना। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. तो गाइस ये है नया रॉयल एनफील्ड का जो लॉन्च हुआ है नया हंटर एयर टॉप मॉडल। और फ्रंट का लुक गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलता है, फ्रंट में जैसे देख सकते हो पूरा रेट्रो जो लुक है वो दिया है कंपनी से। और रॉयल एनफील्ड का ये जो मॉडल है सबसे ज़्यादा मतलब बजट फ्रेंडली मॉडल है, सबसे कम प्राइस में आ रहा है। तो गाइस इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है, ये जो है टॉप मॉडल है रॉयल एनफील्ड हंटर मेट्रो मॉडल है, और इसका जो प्राइस है कुछ 1,97,000 के ऊपर आता है। और जो की स्लॉट देख पा रहे हो की जो है गाइस आप लोग वेव की मिलता है, नॉर्मल से की नहीं है। इधर पर रॉयल एनफील्ड का एक बैजिंग मिलता है। तो फ्रंट में जैसे देख सकते हो विंडशील्ड है जो है एक्सेसरीज में आता है, और रेट्रो डिज़ाइन का आप लोगों को राउंड शेप में हेडलैम्प देखने को मिलता है, हेलोजन हेडलैम्प है। और जो इंडिकेटर है गाइस इसमें आप लोगों को राउंड शेप में मिलता है, लेकिन इधर पे आप लोगों को मिलता है जो एलईडी हेड। फ्रंट का लुक गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलता है, और इधर पे आप लोगों को जो सस्पेंशन मिलता है इधर पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है 41 mm का, ऊपर में इधर पर प्रोटेक्टर भी मिलता है। इससे क्या होगा कि शॉकट का जो लाइफ है ना और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी से बचाएगा सस्पेंशन को। 40 mm साइज का आप लोगों को फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, 130 mm का आप लोगों को ट्रैवल मिलता है फ्रंट में। और अलॉय व्हील है ये जो है गाइस ट्यूबलेस टायर के साथ है, और जो मडगार्ड है गाइस फाइबर का यूज़ किया है। तो इस बाइक में बहुत सारा जो मेटल पार्ट है उसको हटा के प्लास्टिक का यूज़ किया है, इससे थोड़ा वेट जो है उसको कम करने के लिए इधर पे बहुत सारे जो है प्लास्टिक का यूज़ किया है। तो आप लोगों को फ्रंट में जो मडगार्ड है वे प्लास्टिक का मिलता है। तो फ्रंट डिस्क जो है गाइस बाइब्रेक है, आप लोग कैलिपर मिल विथ डुअल चैनल ABS टेलीस्कोप सस्पेंशन के ऊपर। इधर पे एक रिफ्लेक्टर है, और अलॉय व्हील के ऊपर इधर पे आप लोगों को स्टिकरिंग मिलता है रॉयल एनफील्ड का। और फ्रंट अलॉय का डिज़ाइन देखो, अलॉय का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा है। फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील सेम साइज का है, आप लोगों को 17 inch का अलॉय व्हील देखने को मिलता है विद ट्यूबलेस टायर, 180x100 सेक्शन की आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ऐसा कुछ डिज़ाइन है गाइस फ्रंट जो टायर है, और फ्रंट लुक गाइस कुछ ऐसा मिलता है। अभी बात करते हैं इस बाइक का जो मेन पार्ट है मतलब इंजन के बारे में। इंजन जो है गाइस सेम टू सेम आप लोगों को क्लासिकल मटेरियल पर जो मिलता है एकदम सेम टू सेम है, 350cc का है, किक अपन लोगों को ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। सो गाइस एयर कूल 349cc का आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है। टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं 27 Nm एट द रेट 4000 RPM तक प्रोड्यूस करते हैं, और जो BHP प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP एट द रेट 6000 RPM तक। 5 gear ट्रांसमिशन मिलता है, ऐसा कुछ गाइस आप लोग गियर पैनल मिलता है। और ये जो क्रैश गार्ड आप लोग देख रहे हो ये प्रोटेक्टर है गाइस, एक साइज में आता है गाइस, फुल ब्लैक है। और साइड से लुक जैसे देख पा रहे हो कि इस बाइक में बहुत ही कम जो है क्रोम पार्ट कम यूज़ किया है, फुल जो है ब्लैक है, मैट फिनिश है। इधर पे रियर जो ब्रेक है ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और
क्लियर फुट लिस्ट गाइस ऐसा आप लोगों को मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो आप लोग देख पा रहे हो एग्जॉस्ट इस बाइक का पूरा एकदम चेंज कर दिया है। जैसे देख पा रहे हो छोटा सा आप लोग एग्जॉस्ट मिलता है। आप लोग एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, तो ऐसा कैसे आप लोग को बेसिक सा एग्जॉस्ट नोट मिलता है जिसके देख सकते हो। तो मैं अभी रेव करके आप लोग साउंड सुनाता हूँ। तो गाइस बहुत ही बेसिक एग्जॉस्ट नोट है लेकिन साउंड जो चेंज हो गया है, मतलब मेटियर और क्लासिक में जैसा मिलता है वैसा एकदम सेम टू सेम आप लोग एग्जॉस्ट नोट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें इंजन का कुछ भी चेंजेस नहीं, इंजन तो सेम ही है लेकिन एग्जॉस्ट जो है उसको चेंज कर दिया। इसके वजह से इधर पे थोड़ा साउंड चेंज है। इधर पे रियर जो फुटेज है इसका प्रोटेक्शन है। और रियर सेक्शन की बात करें तो आप लोगों को गाइस डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलता है। इधर पे 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है। 120/80 सेक्शन के आप लोग ट्यूबलेस टायर मिलता है। ये जो है अलॉय व्हील है। और इधर पे देख सकते हो आप लोगों को ABS मिलता है। 270 सेक्शन के आप लोगों को डिस्क मिलता है रियर साइड में। और ऐसा आप लोग स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिलता है। और अगर रियर साइड में आता है इधर पे आप लोगों को जो है प्लास्टिक का मडगार्ड यूज किया है। और लुक गाइस कुछ ऐसा है, तो ऑन करने के बाद गाइस लुक कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा, मतलब एकदम राउंड शेप में आप लोग टेल लैंप देखने को मिलता है। ये जो है गाइस LED है। और जो इंडिकेटर है इंडिकेटर भी आप लोगों को राउंड शेप में मिलता है। और जो उनका लाइट है वो गाइस LED मिलता है। और इधर पर रिफ्लेक्टर। रियर सेक्शन का गाइस कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन है जो देखने में थोड़ा टेल डैडी की तरह लगता है। तो गाइस रियर सेक्शन की कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को लुक मिलता है। इसके बाद आता है गाइस लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में आप लोगों को ऐसा डिज़ाइन मिलता है। इधर पर एक साड़ी घाट है, ओपन चेन सेटअप है। और जो साइड पैनल की बात करें तो साइड पैनल भी इधर पर जैसे देख सकते हो रॉयल एनफील्ड हंडा 350 का एक पैकिंग मिलता है, प्लास्टिक का है। ऐसा आप लोगों को हॉर्न मिलता है। हॉर्न का साउंड एक बार सुना देता आप लोगों को, तो ऐसा लाउड सब लोग हॉर्न मिलता है। सिंगल हॉर्न है, डुअल चेसिस का बाइक है जैसे कि देख सकते हो। इधर पे टैंक जो टैंक ये जो है डुअल टोन कलर है गाइस, जैसे कि देख सकते हो टैंक ही सिर्फ मेटल का मिलता है और बाकी सब जो है आप लोगों को प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलेगा। डुअल टोन कलर है। इधर पे रॉयल एनफील्ड का एक स्टिकरिंग है जैसे कि देख सकते हो। ऐसा कुछ डिज़ाइन है। 13 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। 2.6 लीटर का आप लोग को रिजर्व देखने को मिल जाता है। इस टैंक जो है बहुत अच्छा लगा, मतलब डुअल टोन है। माइलेज आप लोग अप्रॉक्स 36 तक मिल जाएगा, 35 से 36 तक। वही बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट जो मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ऐसा गाइस आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जैसे कि मेटियोर भी जैसा मिलता है एकदम सेम टू सेम है। और गूगल असिस्ट आप लोग एक्सेसरीज में अलग से इंस्टॉल कर सकते हो इस बाइक में। तो इधर पे मिलता है स्पीड जो एनालॉग में है। बीच में मिलता है आप लोगों का इस क्लॉक, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, फ्यूल दिखाएगा ओडो ट्रिप ए ट्रिप बी और फ्यूल एवरेज भी दिखाएगा। इधर पे लो फ्यूल इंडिकेटर, बैटरी का सिग्नल, न्यूट्रल, ABS का सिग्नल दिखाता है। और हैजर ऑन करोगे ऐसे आप लोगों को लुक आएगा गाइस। और स्विच की बात करें तो स्विच आप लोगों को एकदम सेम टू सेम मेटियोर की तरह ही मिलता है। पासिंग स्विच, अपर डीपर, इंडिकेटर, नीचे हॉर्न। और राइट साइड में सेम गाइस मेटियोर और क्लासिक में जैसे मिलता है किल स्विच एंड सेल्फ के साथ। और ये जो है गाइस इसमें आप लोगों को हैजर्ड ऑन ऑफ का बटन मिलता है। मीटर कुछ गाइस ऐसा है। सीट की बात करें तो इसमें आप लोगों को स्प्लिट सीट नहीं मिलता है, लेकिन कुशनिंग थोड़ा हार्ड है। लेकिन राइडर जो सीट है वो बहुत ही बड़ा है। पिलियन सीट थोड़ा छोटा है। ऐसा डिज़ाइन का आप लोगों को ग्रैबल देखने को मिलता है। रियर का लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब थोड़ा स्पोर्टी सा लुक लग रहा है। ऐसा डिज़ाइन के वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लीवर गाइस पूरा सेम टू सेम मेट्रियोर की तरह ही मिलता है। कार्बोरेट है गाइस 177 kg का कार्बोरेट मिलता है। और सीट हाइट है गाइस इस बाइक का 800। और गाइस ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 150 mm का आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। सो गाइस फाइनली मेरे सामने है न्यू जो रॉयल एनफील्ड हंटर मेट्रो मॉडल लॉन्च हुआ है, उसका हम लोग की मिल गया है। तो अभी चलाएंगे इस बाइक को, टेस्ट राइड लेंगे और देखेंगे। मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो गाइस इस बाइक को टेस्ट राइड लेते हैं। तो डबल सेंटर उतार लेते हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हो एकदम पैर एकदम दोनों तरफ ठीक तरीके से एकदम पहुँच रहे हैं। इस बाइक का सीट हाइट 800 mm। और ऑन करने के बाद गाइस ऐसा आप लोगों को लुक मिलता है। इधर पे सेल्फ स्टार्ट। तो गाइस एग्जॉस्ट नोट जैसे देख सकते हो बहुत ही बेसिक सा एग्जॉस्ट नोट है, फर्स्ट गियर में डाल दिया। तो बाइक का जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा, मतलब हैंडल मुझे थोड़ा वेट सा फील हो रहा है। तो स्पीड मीटर जो है इधर पे कनेक्ट किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा एग्जॉस्ट नोट आ रहा है। और हाई रेप में बहुत ही ज्यादा पावर फील हो रहा है गाइस। एग्जॉस्ट नोट मुझे बहुत मस्त लगा। लीवर क्लच लीवर जो है ना गाइस, ये गाइस मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जरा प्रीमियम फील हो रहा है। और बाइक में एकदम भी वाइब्रेशन नहीं है गाइस, वाइब्रेशन बहुत ही कम है इस बाइक में। बाइक में वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम। हाँ ना
तो वाइब्रेशन एकदम कम है आप लोगों को इस बाइक में। डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है और बहुत ही बेसिक से एग्जॉस्ट नोट है और सीट जो है मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। और सस्पेंशन की बात करूँ तो गाइज सस्पेंशन फ्रंट का थोड़ा हार्ड है गाइज, और इसमें हैजर्ड का सिस्टम है, हैजर्ड मैंने ऑन कर दिया। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है और पोस्चर में बताऊँ तो एकदम हल्का सा लीन होना पड़ता है इस बाइक को राइड करने के लिए। मतलब पैर फुट पेक्स थोड़ा पीछे की तरफ है और मुझे थोड़ा सामने की तरफ, थोड़ा मैं सामने की तरफ झुक कर बैठा हुआ हूँ और पैर थोड़ा पीछे की तरफ है। तो अभी बाइक 40 में है, अभी गाइस देखेंगे हैंडल रेडियस चेक करेंगे इस बाइक का। और 60 तो गाइस इजी चला गया, एकदम ही वाइब्रेशन नहीं है बाइक में। ब्रेकिंग गाइस बहुत ही मस्त लग रहा है, मतलब और जो बाइक है ना बहुत ही लाइट चल रही है, मतलब इन्फिनिटी मेटियोर क्लासिक में जैसा कि थोड़ा हार्ड फील होता है, थोड़ा जिगजैग करने के टाइम पे थोड़ा लैग फील होता है वेट की वजह से, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा वेट जो है वो लॉस किया है, मतलब प्लास्टिक यूज़ किया है इसको, इसके वजह से ना बहुत ही ज़्यादा बाइक हल्की चल रही है, मतलब इजीली कट कुट मार सकते हैं इस बाइक को लेके। और जो सारे लोग में थोड़ा बजट का इशू था लेकिन रॉयल इनफील्ड लवर हो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी का न्यूज़ है गाइस आप लोगों को, अभी इतना कम बजट में ऐसा मॉडल मिलेगा आप लोगों को रॉयल इनफील्ड का। माइलेज आप लोग इजीली 30 से 35 तक मिल जाएगा, और जो सारे लोग दीवाने थे रॉयल इनफील्ड का उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ ये मॉडल लॉन्च हो गया है। एक बाइक को स्ट्रेच करके देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर है, मतलब जब क्लच में छोड़ रहा हूँ ना पीछे की तरफ धकेल दे रहा है, ऐसा पावर है बाइक में। और ब्रेक गाइस मस्त है, मुझे ब्रेक बहुत मस्त लगा, और डुअल टोन फ्यूल टैंक की वजह से ना और भी ज़्यादा मस्त लग रही है इधर से। और क्लच स्मूथ है, थोड़ा सामने की तरफ झुकना पड़ता है थोड़ा सा, इधर पे गियर पोजीशन शो कर रहा है गाइस, इको मोड पे चल रही है अभी बाइक। साउंड सुन रहा सकते होगा एग्जॉस्ट का, तो अभी बाइक 40 के है, अभी ब्रेक टेस्ट करते हैं। ओह नाइस ऑसम ऑसम, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से बाइक ने रोका, और इजीली इस बाइक को लेकर आप लोग कट कुट मार सकते हो, डेली कम्यूट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इस प्राइस रेंज में आप लोग इतना सारा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो गाइस ओवरऑल मुझे बाइक बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा ये बाइक, मुझे बहुत मस्त लगा, यही था गाइस। और मिरर पे एकदम भी वाइब्रेशन नहीं है, मतलब पहले जो मॉडल आता था रॉयल एनफील्ड का उसमें क्या मिरर में थोड़ा दिक्कत होता था, मिरर में पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता था वाइब्रेशन की वजह से, मिरर जो वाइब्रेट करता, लेकिन ऐसा अभी इस मॉडल पे एकदम भी नहीं है। स्विच क्वालिटी बहुत प्रीमियम लगा और साउंड जो है बहुत ही अच्छा लगा, साउंड जैसे देख सकते हो बेसिस एग्जॉस्ट नोट मिलते हैं आप लोगों को। हैंडल रेडियस भी अच्छा है गाइस, मतलब आप लोग छोटे जगह से भी इस बाइक को घुमा सकते हो, हैंडल रेडियस भी अच्छा है इस बाइक का। सो गाइस ये बाइक जो चला के मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी बाइक है। तो अगर आप लोग इस बाइक को खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, इधर का शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना, अगर मेरे चैनल में नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो चलो गाइस मिलते हैं इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो पर, सो बाय।